हमारी दीदी को जो हमारी मिसिस को घोड़ों से एलर्जी थी, उन्होंने घोड़े रखने से मना कर दिया। अब घर भी चलाना था भाई, अब नई नई शादी हुई है, अब कहीं बीवी छोड़ के भाग गई तो वो तो दिक्कत आ जाएगी। एक के साथ एक फ्री है। 3 साल वाइफ को मतलब थोड़ा बहुत अपने झांसे में डाला है, प्यार से उनको बहलाया है, दोबारा घोड़ों को काम शुरू किया मैंने। का नाम है सिंटो। सिंटो, ये तो इंग्लिश नाम है सिंटो। घोड़ी का नाम है धन्नो। धन्नो, हाँ जी, ये वही वाली धन्नो है, शोले वाली। नमस्कार दोस्तों, इंडियन चालबाज हॉर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली से सटे नजफगढ़ में। हां, वही नजफगढ़ जहां के वीरेंद्र सहवाग हैं। लेकिन यहां जिनके पास हम आए हैं वो अपनी लाइन में सहवाग से कम नहीं, क्योंकि उनके पास एक से एक शानदार घोड़ा घोड़ी हैं। आइए चलते हैं और मिलते हैं मंजीत जी से। आइए चलिए, आइए देखते हैं मंजीत जी का फार्म, जहाँ पर एक से एक शानदार घोड़ा घोड़ी पल रहे हैं, बंधे हुए हैं। इस घोड़े की वीडियो बादल की तो आप देख ही चुके हैं। चलिए आइए और दिखाते हैं, मंजीत जी से मिलते हैं। क्या हाल है मंजीत जी? नमस्कार जी। पहले तो सभी मेरे आपके ग्रुप माध्यम से जो है आपका चैनल है जी, सभी जी, मेरे साथियों को नमस्कार जी, जी, आप बताइए कैसे हो। हमारे पास आज आए हुए हैं हमारे कमल कांत त्यागी भाई साहब, इनका भी स्वागत हमारे फार्म पे। जी बताइए मंजीत जी, कितनी घोड़ी हैं अभी आपके पास? मेरे पास अभी 5 घोड़ियां हैं जी। 5 घोड़ियां? हाँ जी। एक घोड़ी जो है वो अभी मतलब घूमने गई हुई है, मतलब अच्छा, दोस्त अच्छा। के पास गई हुई है। और एक बादल है आपका? हाँ जी, एक अपने पास। वो तो फिर जी ऐसा क्यों कि फिर 10 हो गए ना, 5 घोड़ी और 5 के बराबर बादल। वो तो मेरे लिए तो एक ही है, आप सबके लिए तो चाहे उसको 10 के इक्वल करो, उसके तो चाहे 100 लगा लो, उसके बराबर तो वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी। तो अपना ये कारोबार है ना? हाँ जी, मेरा सेल परचेज का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मीटिंग के लिए आपने रख ही लिया है, बता दिया है पिछले वीडियो में जो जो आपके चार्जेस। बादल घोड़ा तो सिर्फ जो है मैटिंग के लिए ही, मतलब स्पेशली बता दिया पिछले वीडियो में, कंप्लीट था। अच्छा, ये कौन है आपके? ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, इन्हें भी शौक है? हाँ जी, सभी शौकीन है। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी गुड़िया है। ये शौक तो हमारे बच्चों को भी है, इनसे 2 साल की हमारी गुड़िया, इसको भी बहुत ज्यादा शौक है घोड़ों पे बैठने का। अभी इनका इंटरव्यू लेंगे, पहले जरा घोड़ा घोड़ियों के बारे में आप बताइए, इस घोड़ी के बारे में बताइए। ये इसका नाम क्या है घोड़ी? इस घोड़ी का ये देखो अभी शरारत करेंगी अभी ये। इस घोड़ी का नाम है धन्नो। धन्नो, हाँ जी, ये वही वाली धन्नो है, शोले वाली। उससे कम भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इसकी हाइट क्या है अभी? इसकी हाइट है 62 प्लस। 62 प्लस। और एज क्या? हाँ जी, एज है इसकी 4 इयर्स। अच्छा, तो ये अभी प्रेग्नेंट है आपने बताया? हाँ, ये प्रेग्नेंट है 8 मंथ्स की। अच्छा, अपने बादल घोड़े से। अच्छा अच्छा, तो ये सेल के लिए? हाँ जी, ये भी सेल के लिए। इसकी क्या कीमत है? इसकी 1,80,000 रुपए कीमत। 1,80,000 रुपए कीमत है। और फिर इसकी एज क्या बताई आपने? इसकी एज है 4 साल। 4 साल, 4 साल। तो और भी बच्चे दिए होंगे इसने पहले? हाँ, इसने पहले 2 बच्चे दिए हैं। अच्छा। एक चंबी बच्ची दी थी। अच्छा, और एक नुकरा बच्चा दिया था। अच्छा अच्छा, आइए और बताइए। और ये इस घोड़ी के बाद है, ये नुकरी घोड़ी है जिसकी उम्र है 2 साल। अच्छा, मतलब 2.5 साल इसकी एज है जी। जी, इसकी हाइट है 59। 59 है? हाँ जी, 59 मतलब हमारे जो हम फीते से नापते हैं वो तो है सुम छोड़ के नापते हैं, कई नापते हैं सुम समेत नापते जी, हैं जी, हाँ। वो 40 वाली 59 हाइट है सुम छोड़ के। अच्छा, सुम अच्छा। समेत अगर लगाओगे तो इसकी हाइट है 61। हाँ। और इसकी है 64। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, हम अच्छा, सुम अच्छा, छोड़ के हाइट अच्छा, लगाते हैं तो ये भी प्रेग्नेंट है? हाँ जी, ये भी 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है बादल घोड़े से। अच्छा, बादल अपना बादल से। हाँ जी, बादल घोड़े। इसका क्या प्राइस रखा है आपने? इसका प्राइस है 2,25,000 रुपए। 2,25,000। एज इसकी? एज इसकी है 2.5 साल। 2.5 साल। आइए आगे, दो दांत होगी इन्होंने। ये है नुकरी स्पोर्टलेस फिली। अच्छा, हाँ जी, इसका क्या? अच्छा, उसका नाम क्या है उस घोड़ी? उसका नाम है पायल। पायल। हाँ। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंटो। सिंटो, ये तो इंग्लिश नाम है सिंटो। इंग्लिश नेम है ये, हमारे बच्चों ने ही रखा था। अच्छा 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 अच्छा,
तो ये फिली है, इसकी एज है 17 मंथ्स। 17 मंथ हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट है मेजरमेंट सुम छोड़ के 57। अच्छा। और ये सेल के लिए ये भी है? हाँ, सेल के लिए ये भी तो है। क्या इसका क्या इसकी क्या? इसका प्राइस है 1,80,000। 1,80,000 ठीक है। इसके बारे में बताइए। ये घोड़ी है जी, इसकी एज है 4 इयर्स जी, और ये जो है पंजाब में जो मजूके लाइन है, मजूके अच्छा, लाइन से है ये घोड़ी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, ये घोड़ी है मजूके लाइन से जी, जी। 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है बादल से। अच्छा, बादल से। हाँ जी। तो ये भी है कि अगर कोई एक लेगा तो दो मिल जाएंगे? हाँ, इसके लिए तो बिल्कुल वो तो एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है। तो इसका क्या आपने प्राइस रखा? इसका प्राइस है 1,25,000 रूपए। 1,25,000। हाँ जी। आप घोड़ियां तो देख रहे हैं और इधर पड़ोस में बंधी है भैंसे और गाय जो एक से एक शानदार है, इसी का दूध पीती है ये घोड़िया और घोड़े। और आइए बात करते हैं मंजीत जी के पिताजी से। बताइए बाबू जी, कितना पुराना शौक है ये आपका? ये जी शौक हमारा कम से कम 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना शौक है जी। तो अब सब जैसे चालबाज रखते कभी रखे कि नहीं, नहीं रखे? चालबाज नहीं रखे हमने। अच्छा, सेल परचेज का ही काम रहा? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, पहले पापा सेल परचेज का काम करते थे और अब मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये जैसे मैंने एक चीज देखी है, लोग ये कहते हैं कि भाई हमें मारवाड़ी पसंद है, कोई कहता है सिंधी पसंद है। आज तक मेरी तो समझ में नहीं आया कि भाई लोग आपस में बहस क्यों करते हैं। दोनों भाई है तो घोड़े, लेकिन इसके बारे में बताइए कि कौन सी जात में फायदा ज्यादा होता है अगर कोई बिजनेस करे? वो अपनी अपनी समझ होती है जी। अच्छा, ठीक है। ये इनका तो ये है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो नुकरों का ही चल रहा है। अच्छा। पहले जो था मतलब ये नुकरे जल्दी इसलिए बिक जाते हैं हमारे दिल्ली से सटे एरिए में, क्योंकि इधर जो है शादी बरातों में जाती हैं ये घोड़ियां। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो इनकी कीमत इसलिए नुकरी घोड़ों की इसलिए ज्यादा मिल जाती है कीमत, शादी बरातों में जाती है इसलिए। मारवाड़ी का इधर जो है मतलब चाल चलन है नहीं, शौक नहीं है किसी को, क्योंकि सभी आजकल कमाई के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, वो तो दिल्ली है। में जो है मारवाड़ी के लिए जगह भी नहीं है। मारवाड़ी को जो है खुला मैदान चाहिए होगा। जी जी जी। घोड़ों को तो सभी को ही चाहिए होता है खुला मैदान, पर उन मारवाड़ी को जो है थोड़ा और ज्यादा चाहिए होगा। तो ये डाइट का आपका क्या रहता है, थोड़ा डाइट के बारे में बताइए। एक हमारे दोस्त है मनप्रीत जी, वो भी एक घोड़ा तैयार कर रहे हैं अपना, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी से ये पूछो कि भाई गर्मी में क्या डाइट देना चाहिए घोड़ों को। हर पशु की अलग डाइट होती है। अच्छा। अगर सांड घोड़ा है वो उनको स्टैलियन बनाना है, बच्चा है उनका, सांड घोड़ा है तो उसकी अलग डाइट होगी, प्रेग्नेंट घोड़ी है तो उसकी अलग डाइट होगी। अच्छा। और वैसी नॉर्मल फिली है, बच्चा है, घोड़ी है, उसकी अलग डाइट होगी। अच्छा, अच्छा। हर पशु का अलग तरीका होता है। अच्छा 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 अच्छा। सर्दी की डाइट अलग होती है, बरसात की डाइट अलग होती है। तो वैसे गर्मी में क्या जैसे अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज नहीं खिलाना चाहिए? गर्मी में जो है बाजरा बिल्कुल खिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाजरा होता है गर्म। अच्छा, अच्छा। गर्मी में हम जो खिलाएंगे वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, जो अच्छा। जो होता है ठंडा होता है। अच्छा, जो और चना खिलाना चाहिए गर्मी के मौसम में, वो घोड़े के लिए बेस्ट होता है। और गर्मी में जैसे कि हमें इसको भूसा खिलाना चाहिए गेहूं का। अच्छा अच्छा। और सर्दी के मौसम में कोई अवॉइड किसी को मिलता है नहीं मिलता है। अच्छा, इनके लिए बेस्ट रहता है जो अपने बाजरे की कुट्टी होती है। हाँ, वो बहुत बेस्ट होती है इनके लिए। अच्छा, बाजरे। पर हर एक इंसान उसको डालना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ये तो है। हाँ जी। तो गर्मी में तो है गेहूं का भूसा और जो जी जी और चना, इसके लिए बेस्ट रहेगा। और गाय का दूध मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपके टाइम में जब घोड़े पालते थे तो आपने कितने घोड़े रखे? मेरे टाइम में थे जी 15 घोड़े। 15 घोड़े, घोड़ी, 2 घोड़े। हाँ, 13 घोड़ी। अच्छा, 13 घोड़ी 2 घोड़े। तो वाइट ही थे सारे? हाँ, वाइट थे। तो उस टाइम तो कपड़े वपड़े पहन के वाइट जब निकलते होगे ना, तो फिर तो मजा ही अलग होता होगा आपका। तो अभी भी है आनंद? हाँ, हाँ, जीवन में अभी भी है अगर जानवरों का? एक बार ये शौक लग जाए तो मुझे तो नहीं लगता है। मतलब बड़े बूढ़ों की कहावत है कि मतलब नशे जो होते हैं फीम जैसा नशा होता है। फीम जैसा, अगर फीम खाने लग जाओ एक टाइम तो फीम का नशा छोड़ दोगे आप, लेकिन घोड़ों का नशा छोड़ नहीं सकते। अब पीछे मेरी शादी होगी थी, मतलब आप ये बोलोगे कि भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। हमारी बीवी को जो हमारी मिसेज को घोड़ों से एलर्जी थी, उन्होंने घोड़े रखने से मना कर दिया। अब घर भी चलाना था भाई, अब नई नई शादी हुई है, अब कहीं बीवी छोड़ के भाग गई तो वो तो दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने बीच में घोड़े 3 साल रखने बंद कर
कर दिए। अच्छा, अच्छा तीन साल के वाइफ के चक्कर में तीन साल घोड़े से दूर है वाइफ से। अब तीन साल वाइफ को मतलब थोड़ा बहुत अपने झांसे में डाला है, चार से उनको बहलाया है, दोबारा घोड़ों को काम शुरू किया मैंने। तो मान गई अब? हाँ तो मानेगी, तो शुरुआत में तो नहीं मान रही थी, अब उनको मैंने मना लिया है। अच्छा, इनकी वाइफ तो भाई मान गई। बाहू जी, आपकी जो वाइफ थी वो भी मना करती थी क्या? जी, वो ने कभी मना नहीं किया। तो हमारे साथ लगी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही है कि वो घर वाले बस मना ऐसे ही करते हैं कि भाई नहीं नहीं, हमारी मम्मी जो है घोड़ों को प्रमोट करती है। अच्छा। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि मतलब दर पीढ़ी जो चलता शौक आता है। हाँ। मेरे नाना जी भी घोड़े रखते थे। अच्छा, अच्छा। और मेरे मम्मी के जो मतलब मेरी नानी है उनके पिताजी थे जो हमारे मतलब नाना के जो ससुर थे, हमारी जो नानी है उनके पिताजी थे जो हमारे नाना, वो भी घोड़े रखते थे। अच्छा। वो आज भी घोड़े रखते हैं। उन्हीं की वजह से जो है हमारे पिताजी को शौक लगा था, पिताजी से आ गया। मम्मी के मम्मी ने तो साथ दिया, बीवी ने तीन साल शौक छुड़ा दिया। मंजीत जी भाई, आपने ये बात करी, ये एक असली बात है जो हर घर का ही है। मंजीत भाई से ये पूछो, तीन साल कैसे कटे बिना घोड़े के? तीन साल उनका तो कुछ कहने, वो तीन 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 मतलब सदियां लग रही थी मेरे, तीन जन्म बाद जन्म हुआ मेरा दोबारा। चलिए, और आप अपना नंबर बता दीजिए, जिसको अगर जैसे आपका सेल का काम है, जिनको जो लेना होगा आप नंबर बताइए। हाँ जी, तो नंबर है 9999021934। और हिंदी में बोला जाएगा जैसे कि 9999021934। ये मंजीत जी आपका गांव पड़ता कहाँ पर है? ये दिल्ली के पास नजफगढ़ है। हाँ, हाँ। जो आपने अभी बताई दिया है। हाँ। कि वीरेंद्र सहवाग है जहाँ से। हाँ, हाँ। वो उसके पास पड़ता है गाँव झड़ौदा कला, जहाँ दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, हाँ। वो गांव है हमारा झड़ौदा कला। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।